दोस्तों YouTube पर एक नया अपडेट आया है थंबनेल को लेकर जो काफी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, काफी लोगों को बहुत खराब लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो अपडेट आया है ये नए क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, नए क्रिएटर के लिए हेल्पफुल है। तो भाई जो पुराने यूट्यूबर हैं जो राज करके बैठे हैं अपना, तो भाई उनको तो धक्का सा लगेगा कि भाई नए यूट्यूबर आगे निकल जाएंगे, और जब नए यूट्यूबर आगे निकलेंगे तो भाई व्यूज जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जब व्यूज कम होते हैं ना तब कोई भी यूट्यूबर हो उसका डाउन फेज आ जाता है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है थंबनेल को लेकर ये नए यूट्यूबर्स के लिए रामबाण अपडेट है। दोस्तों अगर आप भी इस अपडेट को सही से यूज कर लेते हो तो आपका भी जो चैनल है वो अच्छा खासा चल सकता है, आप भी किसी भी बड़े यूट्यूबर्स को टक्कर दे सकते हो। तो दोस्तों क्या कुछ अपडेट है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे फीडबैक जरूर चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर अभी तक आपने माय फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखो यार, उस पर लोग अच्छा खासा प्यार दे रहे हैं, आप भी जाओ प्यार दो और उस वीडियो को देखो। अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाकर पेमेंट आई है और अब मैं जो है अब सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से कि हाँ मैंने YouTube पर कुछ किया है, मैंने फर्स्ट पेमेंट ले लिया है, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। अब अपडेट क्या है उस चीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो यूट्यूब का जो ये अपडेट आया ये मैंने बता दिया आपको थंबनेल को लेकर आया। थंबनेल को लेकर क्या है कि अभी तक आप कोई वीडियो बनाते थे, वीडियो बनाने के बाद आपको थंबनेल बनाना होता, आप थंबनेल बनाते थे, थंबनेल बनाकर लगा देते थे अपने वीडियो पर और वीडियो को पब्लिक कर देते। जब आप वीडियो पब्लिक कर देते थे तो आपके जो 10-20-15 व्यू आते थे जो वो आकर रुक जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या दोस्तों कि अब YouTube ने थंबनेल को लेकर नया अपडेट कर दिया है। तो अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई अपडेट थंबनेल को लेकर किया है तो क्या YouTube खुद से थंबनेल बना देगा, जो है हमारा टाइटल होगा उस हिसाब से YouTube खुद थंबनेल बनाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, YouTube भाई खुद से थंबनेल नहीं बना देगा, थंबनेल तो आपको ही बनाना है। लेकिन अब आपको और ऑप्शन मिल गए। क्या ऑप्शन मिल गए कि अभी तक आप सिर्फ एक थंबनेल लगा सकते थे, लेकिन अब 3 थंबनेल लगा सकते हो। यानी कि अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक तो मेरे पास कस्टमाइज थंबनेल का ऑप्शन था, हम कितने भी बदल सकते थे, लेकिन मेरे भाई एक बार में अब आप 3 लगा सकते हो, ठीक है। अभी तक आप एक थंबनेल लगाते तो एक थंबनेल लगकर आता था, अब वहां पर आप 3 थंबनेल लगा सकते हो, ठीक है। कैसे? अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या 1-2-3 इस तरीके से थंबनेल लगकर दिखाई देंगे किसी भी यूट्यूब वीडियो को जब हम पब्लिक करेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्या है सिस्टम, जब आप किसी भी वीडियो पर 3 थंबनेल लगाकर छोड़ दोगे तो 24 घंटे के अंदर उस वीडियो का जो हाई रेशियो वाला, हाई क्लिक थ्रू रेट वाला, हाई CTR वाला जो थंबनेल होगा वो आपको वहां पर शो हो जाएगा कि इस वीडियो का जो CTR है बहुत ज्यादा हाई रहा है, ठीक है। तो आप उस थंबनेल को पर्सनली एक को सिलेक्ट करके अपने वीडियो पर सेट कर दोगे, सेट करने के बाद उसको आप जो है पब्लिक कर दोगे, जिससे क्या होगा कि आपके थंबनेल की टेंशन खत्म कि मेरा थंबनेल अच्छा है खराब है, लोग क्लिक करेंगे नहीं करेंगे, तो ये YouTube खुद बता देगा कि आपका थंबनेल अच्छा है या नहीं है। अब दोस्तों ये सब बात तो है, इसके बीच में एक चीज और बताऊं कि अगर आपका CTR 8-10% रहता है आपका, ठीक है, तो फिर आपको कोई भी जरूरत नहीं है अपने थंबनेल को बदलने की, या फिर आपको ये 3 थंबनेल वाला जो है यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा जो CTR है वो लगभग किसी का नहीं होता है, ठीक है। या तो फिर वही बात है कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग अच्छी हो कि जो भी जिसके पास भी नोटिफिकेशन जाए वो तुरंत क्लिक करे, तब हो जाता है, ठीक है। लेकिन 8-10% है तो काफी अच्छा है, अगर 4-5-6% है तो भाई आपको इस चीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि ये 3 थंबनेल का चक्कर क्या है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो नहीं मिला है, तो भाई अभी सिर्फ और सिर्फ 1000 क्रिएटर को दिया गया है, ठीक है, और धीरे धीरे ये 1000 क्रिएटर से बढ़ता जाएगा और 2024 तक सभी को रूल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा अपडेट और आई होप कि आपको ये अपडेट काफी पसंद आया होगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर दबा लो ताकि जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। एक बार फिर बोल रहा हूं भाई, माय फर्स्ट पेमेंट की वीडियो देख लो, आपको भरपूर मोटिवेशन मिलेगा जिसके बाद आप यूट्यूब पर और लगन से मन से काम कर पाओगे। सो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।